चिंगारा मामले में फिल्म स्टार सलमान खान की मुश्किलें बढ़ सकती है। हिरण शिकार से जुड़े दो प्रकरणों में राजस्थान हाई कोर्ट से बरी होने के बावजूद राज्य सरकार की अपील के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी अपील से मांग करी है कि इस मामले में हाईकोर्ट के फैसले पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हुए निचली अदालत का फैसला लागू किया जाए, साथ ही सलमान को सरेंडर करने का आदेश दिया जाए ताकि वो बचे हुए दिन की सजा पूरी कर सके। सलमान खान को बरी किया गया था, उनके विरुद्ध आज सलमान खान को नोटिस जारी किया गया है। तब नोटिस की तामील के पश्चात दोनों पक्षों को सुनने के बाद में इस जो बरी किया गया माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, उस पर पुनः सुनवाई होगी और उनके द्वारा एक अतिरिक्त प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया था जिसमें यह कहा गया था अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को स्थगित करें, परंतु अभी जो नोटिस जारी किए गए हैं तो निश्चित तौर पर आगामी तारीख पेशी पर निश्चित तौर पर राज्य सरकार के जो मौजूद पक्ष है उसकी सुनवाई होगी और उस आदेश के पक्ष जो राज्य सरकार की ओर से विरुद्ध अपील की गई है उस पर एक निर्णायक लड़ाई राज्य सरकार जो लड़ रही है निश्चित तौर पर शायद विजय हो। सलमान खान को नोटिस जारी किए हैं और एक्विटल प्राइमा फेसाई एक्विटल के खिलाफ जो भी आधार थे उन पर उन्होंने विचार कर प्राइमा फेसाई इस लीव को ग्रांट कर दिया। आगे सलमान खान का वकील सामने आएगा, फिर इसके अंदर जब भी बहस होगी तब इसका निर्णय होगा, लेकिन प्राइमा फेसाई केस को स्ट्रांग माना है प्रोसिक्यूशन के केस को, इसलिए लीव को ग्रांट किया।